What is up, guys? नहीं, पहले आपने कमेंट सेक्शन में फर्स्ट सेकंड वाला वन लाइक इज इक्वल टू वन प्ले वाला गेम खेल लो। नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, आप गेम खेल लो, आराम से खेल लो, खेल लो। डन, शुरू करें। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फ्रेश हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स, एप्स बताने वाला हूं, जिन्हें जाने के बाद आप ये दो चीज जरूर बोलोगे, और मजा आ गया। पिछले कुछ वीडियो में आप लोग जो लाइक्स का प्यार दे रहे हो ना, मजा आ गया। आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हो ना, इतनी खुशी सीरियसली, कहीं इतने ज्यादा लाइक से मैं पागल ना हो जाऊं। इंट्रोडक्शन, जिन लोगों को नहीं पता, ये मेरा नाम है और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल। और बकवास बहुत ज्यादा कर लिए, सीधा पॉइंट पे आते हैं। नंबर वन, ये दोस्तों एक ऐसी वेबसाइट है जो बहुत ही यूजफुल है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बड़ा ही यूजफुल हो सकता है। इस वेबसाइट का नाम है privenote.com। वेल, जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पर आके आप अपने जो भी प्राइवेट नोट है, जो भी सीक्रेटली चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर लिख सकते हो। और लिखने के बाद यहाँ पर आप सिंपली इस पे क्लिक करके एक लिंक को जनरेट कर सकते हो। और जैसे लिंक जनरेट हो जाएगा, उसके बाद ये लिंक को आप किसी भी अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव या फिर जिसके साथ भी आप ये प्राइवेट नोट को शेयर करना चाहते हो, उसके साथ ये लिंक को शेयर कर सकते हो। जैसे ही यूजर के पास ये लिंक पहुंच जाएगा, तो एक बार वो इस लिंक पे क्लिक करेगा, उसके बाद जो भी आपने प्राइवेट नोट लिखा वो उसे रीड कर पाएगा। और रीड करने के बाद ये लिंक दोस्तों कुछ ही सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। और दोबारा अगर वो यूजर इस लिंक पे क्लिक करेगा, तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ आएगा कि जो लिंक है, जो प्राइवेट नोट है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, फिनिश हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। मतलब सिंपल में कहूं तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आप किसी को एक प्राइवेट नोट भेजना चाहते हैं और आप चाहते हो कि एक से ज्यादा बार वो इस प्राइवेट नोट को पढ़ ना सके और लिंक अपने आप डिलीट हो जाए, जो मैसेज है वो अपने आप डिलीट हो जाए। नेक्स्ट दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूजफुल और एक स्पेस सेविंग टिप है। आप सभी लोग क्रोम तो यूज करते ही होंगे अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम में, और अगर आप क्रोम यूज करते हो अपने सिस्टम में, तो आप सभी लोगों ने बहुत सारी अपनी इंटरेस्टिंग फेवरेट वेबसाइट को बुकमार्क भी जरूर कर रखा होगा। क्यों? लेकिन आप सभी लोगों ने देखा होगा, क्रोम पे आप जो भी बुकमार्क करते हो तो बहुत बड़ा यहां पर बुकमार्क हो जाता है और ये काफी ज्यादा स्पेस लेता है, जिससे क्या होता है कि ये जो गूगल क्रोम है, बुकमार्क की वजह से कई सारे स्पेस को ले लेता है, जिसके वजह से आपके फ्रंट होम पेज पे जो कई सारे इंपॉर्टेंट आपकी वेबसाइट है, फेवरेट वेबसाइट है, उसका जो बुकमार्क है वो शो नहीं होता और आपको सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक करके आपको देखना पड़ता है। लेकिन ये जो वेबसाइट बुकमार्क है, इनके बीच में जो स्पेस है उसे आप काफी हद तक कम कर सकते हो और एक ही पेज में आप बहुत सारे अपने फेवरेट वेबसाइट को शो करके दिखा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी बुकमार्क आपने किया है उस पर राइट क्लिक कर लीजिए, उसके बाद एडिट बटन पे आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे आपको रिमूव कर देना और सिंपली इसे सेव कर देना है। इसी तरह से आपने जो दूसरे बुकमार्क कर रखे हैं उन सभी के टेक्स्ट को भी आपको रिमूव कर देना है, और इनकी जगह पे सेव करने के बाद आपको वहां पर उस वेबसाइट का सिर्फ और सिर्फ लोगो शो करके दिखाएगा। ये करने के बाद आप एक चीज नोटिस करोगे कि वहां पे टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे उस वेबसाइट का सिर्फ और सिर्फ लोगो शो करेगा, और लोगो से आप इजिली पहचान जाओगे कि कौन सी वेबसाइट है। इस तरह से आप सामने की साइड में, फ्रंट साइड में और ज्यादा दोस्तों आप बुकमार्क को ऐड कर सकते हो। नंबर थ्री, ये एक दोस्तों जीमेल ट्रिक है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सभी लोग जीमेल तो जरूर यूज करते होंगे। और जीमेल में कई बार कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल ईमेल होता है, मेल होता है, जो आप किसी को भेजना चाहते हो और आप चाहते हो कि सिर्फ वो यूजर के अलावा कोई दूसरा एक्सेस ना कर पाए, तो क्या ऐसा तरीका है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। जीमेल में दोस्तों एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप सीक्रेटली या फिर कह लो कॉन्फिडेंशियली कोई मेल हो तो आप किसी यूजर को भेज सकते हो, और उसके नंबर पे एक ओटीपी आएगा और बिना उस ओटीपी का वो उस ईमेल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ऐसा एक मेल आप सेंड कर सकते हो किसी को भी। सो इसके लिए आपको क्या करना है, जीमेल ओपन करना है, एक मेल कंपोज करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कॉन्फिडेंशियल मोड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेट एक्सपायरी डेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिक्वायर पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद नीचे की साइड में आपको एक मिलेगा SMS पासकोड, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जिसको भी आपको मेल भेजना है उसकी मेल आईडी डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पर सेंड पे क्लिक कीजिए, और जैसे सेंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड मिसिंग इन्फॉर्मेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसके अंदर आपको यूजर का फोन नंबर डाल देना है, बस उसके बाद मेल को सेंड कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद ये जो मेल है, जिस भी ईमेल आईडी में आपने भेजा है उसके पास चला जाएगा, लेकिन जैसे वो मेल को ओपन करेगा तो वहां पर वो उसे एक कॉन्फिडेंशियल एक पासकोड मांगेगा जो उसके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे जाएगा, और ये रजिस्टर्ड फोन नंबर वहीं पे जाएगा जो दोस्तों आपने वहां पर डाला है। उसी रजिस्टर्ड फोन नंबर पे दोस्तों जो पासकोड है, जो SMS है, OTP है, वो जाएगा, और उस OTP को डालने के बाद ही वो यूजर उस ईमेल को एक्चुअली में पढ़ पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। अरे भाई, टेक्निकल साइडी का टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, चश्मा पहन लिया जाए फिर। तो सुनिए, अर्ज किया है,
जिस तरह से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाने पे ग्रे हो जाता है, अर्ज क्या है यार? आप लोग वाह वाह तो बोलो यार। अर्ज क्या है? जिस तरह से लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाने पे ग्रे हो जाता है, जिस तरह से लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाने पे ग्रे हो जाता है। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मजेदार धमाकेदार वीडियोस के लिए। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये कैसी शायरी है? अरे यार मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ, जल्दी से कर दो। नेक्स्ट, ये एक ऐसी वेबसाइट है ना जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, और बहुत टाइम पहले इस वेबसाइट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इस वेबसाइट के बारे में नहीं पता। इस वेबसाइट का नाम है ssavr.com। इस वेबसाइट की खासियत यह है कि अगर आप इस वेबसाइट पर आके कुछ भी नोट्स टाइप करोगे, कुछ भी इमेज शेयर करोगे, कोई भी लिंक शेयर करोगे, तो वो क्या है, कोई भी यूजर अगर वही वेबसाइट को ओपन करेगा तो यहाँ पर दोस्तों वो यूजर आपने जो कुछ भी टाइप किया है, जो भी फाइल्स वीडियोस डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, उन सभी को ये इजीली एक्सेस कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हो, या फिर स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और आप चाहते हो कि वो जो यूजर अपने कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी टाइप कर रहा है, कोई भी इमेज शेयर कर रहा है, कोई भी लिंक शेयर कर रहा है, आप चाहते हो कि सेम वही चीज आपके सिस्टम में भी शो हो, आप भी उसे एक्सेस कर पाओ, या फिर उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे, या फिर कोई भी पर्सन जो उस लिंक को ओपन कर रखा है उसमें जो कुछ भी शेयर करेगा, वो लोग सारे लोग वहां पर ग्रुप में जो भी उस इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, वो सारे लोग उस चीज को, उस टेक्स्ट को, उस वेबसाइट को, उस फाइल को, जो भी लिंक शेयर किया उसे एक्सेस कर पाए। तो भाई साहब ऐसे कंडीशन में आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। ये वेबसाइट आपके लिए तब यूजफुल हो सकता है जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, स्कूल में कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या फिर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपका एक पूरा टीम मेंबर है, तो ऐसे कंडीशन में ये वेबसाइट बड़ा ही यूजफुल है। नेक्स्ट, ये दोस्तों एक ऐसा ऐप है जो कि ऐप भी है आपके मोबाइल के लिए, वॉलपेपर भी है, आप मोबाइल में वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं, और ये आपकी दोस्तों देखभाल भी करेगा। मतलब दोस्तों आप अपने फोन को कितनी देर यूज करते हो, कितनी देर आप अपने फोन में मूवीज वीडियोस देखते हो, आप अपने फोन में कितनी देर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हो, कितनी देर आप अपने फोन में इंटरनेट एक्सेस करते हो, चैटिंग करते हो, सारी एक्टिविटी को दोस्तों ये जो ऐप है आपको ट्रैक करके देगा। और इस ऐप का नाम है दोस्तों वेलपेपर, वॉलपेपर नहीं वेलपेपर। और ये जो ऐप है दोस्तों OnePlus द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है वेलपेपर, और ये सिमिलर है दोस्तों डिजिटल वेलबींग की तरह, जहां पर ये ऐप आप अपने फोन में इसका एक वॉलपेपर सेट कर सकते हो, और ये वॉलपेपर के अंदर ही आपकी सारी एक्टिविटी दिखा देगा। मतलब एक तरीके से कहें तो ये आपकी देखभाल करेगा, आप अपने फोन को कितनी देर यूज करते हो, दिन में कितना इस्तेमाल करते हो, कितने घंटे इस्तेमाल करते हो, उसकी एक्टिविटी क्या है, सब कुछ आपको ये वॉलपेपर में ही सामने शो करके दिखा देगा। नेक्स्ट टिप, ये जो टिप है कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, तो अगर आपको नहीं पता, आपको पता है तो शेयर कर दो, नहीं पता तो भी शेयर कर दो यार, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। सो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल लोग, जो अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर फुल स्क्रीन पे हमें उस वीडियो को देखना हो तो सिंपली वो यहाँ पर स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है, और उसके बाद आप फुल स्क्रीन में उस वीडियो को देख पाते हो। लेकिन कुछ हमारे जैसे लेजेंड होते हैं, कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, जो यहाँ पर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उसे फुल स्क्रीन करना हो सिंपली ऐसा स्लाइड कर देते हैं, और जो स्क्रीन है वो फुल हो जाता है। सर सिंपल मैं कहूँ तो अगर आप YouTube पे कभी कोई वीडियो देख रहे हो और आप उसे फुल स्क्रीन करना चाहते हो, तो बावजूद उसके उस पर क्लिक करो, देन उसके बाद वहाँ पे क्लिक करो, इससे अच्छा है कि आप सिंपली जो स्क्रीन है उस पर उंगली लगा के यहाँ पे ऊपर की साइड स्लाइड करोगे, स्वाइप करोगे, तो ऐसे में जो स्क्रीन है वो फुल हो जाएगा। स्मार्ट टिप स्मार्ट यूजर्स के लिए। क्यों कैसी लगी दोस्तों आपको ये जानकारी, यार लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। और तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, सयोनारा, टाटा, सत श्री अकाल, जय हिंद, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ओहो टेंशन हो जाती है पूरी की पूरी।